वेलकम बैक जी। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये सेगमेंट भी हमारे लिए बड़ा ख़ास है क्योंकि जिस सियासतदान को हमने दावत दी है उन्होंने तशरीफ़ ला के एक तो हमें शर्फ बख्शा अपनी प्रेजेंस का, दूसरा ये कि इनसे हम खास तौर पे जानेंगे अक्सर सियासतदानों से उनकी फैमिलीज़ का बड़ा गिला होता है कि वो ज़िंदगी में जब सियासत में वो कदम रख दें तो फिर उनका घर से ताल्लुक जो है वो कट सा जाता है। ना ईदें, ना शादियां, ना त्यौहार वो होते हैं और सिर्फ उनका हलका होता है, हलका अहबाब जो है वो कहीं दूर पीछे रह जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ साबित डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक। अख्तर मुबारक शाह सर। आपको भी, आपके देखने वालों को भी अख्तर मुबारक। अख्तर मुबारक शाह। बिल्कुल सही। नहीं फिर मैं पूछता हूं, बोलूंगा फिर वो बाकी सुबह वाले बोलेंगे। देखें नहीं तो आप तमाम सुबह के जमाने में बोल देना। सराइकी तो देखें, आपको रच बस जानी चाहिए सिंधी सराइकी। नहीं सिंधी कम आती है, सराइकी और पंजाबी इकट्ठी हो गई। सिंधी एक्सेंट आप कराची के तो आप सही। ईद मुबारक सही। हां ऐसे बोल। बलोची भी साथ आप जला गए भाई। ईद मुबारक बना ले। लेकिन ये सारी हमारी ज़बानें जो है वो आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से जो है ईद मुबारक। अच्छा वैसे क्योंकि ज़बानों की बात हो रही है, ईद पे भी आते हैं, कौन सी ऐसी ज़बान है जो आपके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि आप कभी सीख सकें या सीखने की कोशिश? मुझे निहारी में डलती है ना ज़बान, वो मैं चाहता हूँ सीखूँ और पकाऊँ उसको। बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है, कमाल होता है। आप खाने से फारिग होंगे तो वो मतलब है कि उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा है मेरी। मेरी ख्वाहिश है कि चाइनीज़ और टर्किश दो लैंग्वेज। अच्छा तो चाइनीज़ तो चलें सीपैक की वजह से सीख भी लेनी चाहिए। नहीं सीपैक की वजह से नहीं, क्योंकि सीपैक पे आप चाइनीज़ में बोलते जाएंगे साइन बोर्ड चाइनीज़ में हो गया। नहीं चाइनीज़ मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मतलब है कि खैर मेरी एक वो है कि चाइनीज़ और टर्किश। ओके सर, क्या बात। कल ड्रामों में काम करना पड़ जाए टर्किश तो फिर हाँ। टर्किश ड्रामों में तो फिर हाँ और ऐसे ही। नहीं क्यों सर, सियासत का कोई खैर बात कह रहे हैं क्या? सियासत को नहीं, ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। सियासत में अदाकारी तो आई जाती है, हम वैसे भी तो इस्तेमाल ही कर लें उसको। आप और हम तो ऐसे भी अदाकार हैं, आप अदाकार नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप भी मतलब अदाकारी यहाँ पे कर रहे हैं, हम भी अदाकारी कर रहे होते हैं, सब अदाकारी है। आपकी ईद पे क्या ड्यूटी होती है? ईद पे पहले ये दिन तो गोश्त खाने की ड्यूटी होती है। सही है, जरूरी। और दूसरे तीसरे दिन जो है नॉर्मली आपके साथ पहले भी एक प्रोग्राम की थी, हर ईद पे हमारे वालिद साहब के टाइम से ही हमारी ये वो होती है कि दूसरे और तीसरे दिन जो है सुबह से रात तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी या उससे बाहर पूरे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जिधर वो हैं वो लोग जो है मिलने के लिए आते हैं, तो सुबह से शाम तक वो हमारी उसी में एक्टिविटी रहती है। हाँ और जो कुर्बानी की ईद होती है तो उसमें कुर्बानी के जानवर वाली जो सारी एक्टिविटी है उसमें आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ। और बड़े बड़े राज खुल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं हम तो देख भी नहीं सकते। हाँ। हम तो जाते ही नहीं है। कोई कह रहे हैं हम तो कहते हैं बस खाओ। नहीं नहीं उधर हम मौजूद होते हैं, मैंने कभी खुद ज़बह नहीं किया जानवर। अच्छा लेकिन मौजूद होते हैं वहाँ पर पहले दिन क्योंकि हमारा फैमिली डे होता है तो थोड़ा फारिग होते हैं तो ये एक्टिविटी कर लेते हैं। हम कहते हैं जल्दी तैयार होता कि कुछ खाए पिए। कुर्बानी के लिए खास कौन सा ऐसा जानवर है जो आपको लेना पसंद है कि ये मैं इस चीज़ की कुर्बानी करता हूं? कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है ना भाई दुम्बा ही होना चाहिए। बकरा बेहतर, बकरा जो है वो मेरी अपनी प्रेफरेंस। कुछ लोग हैं मतलब है कि अब कराची की तरफ ज्यादा पश्तून साइड पे तो दुम्बो का भी बड़ा, कराची की साइड पे जो है ना वो ज्यादा ऊंट ज्यादा वो चलते हैं, लोग बैल भी करते हैं ये भी है, लेकिन मेरा अपनी पसंद है कि बकरा हो। और खास डिश जो आप कहते हैं उसके बगैर ईद बड़ी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती वो क्या है? जो भी हो गोश्त तिके बने, गोश्त बारबेक्यू हो तिके बने, या फिर वो पेंडा जो आपने हमें खिलाया था उसका जो आपने हमें चक्का लगाया था। मैं अच्छे मान लिए मुझसे पहले एक शख्स आया था यहाँ पर जो मैं बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े दूसरी बातें सुन रहा था। नहीं नहीं वो पेंडे नहीं, हमारा एक डिश है वो तो, लेकिन वो हम ईद पे खैर वो नहीं होता क्योंकि ईद स्पेशली क्योंकि ये एक बकरा ईद कहते हैं इसको हम नॉर्मली, तो गोश्त ईद होती है। कोई तिके बना रहा है, कोई कढ़ाइयाँ बना रहा है, कोई चीज़ें, तो पेड़ तो सारा साल चलता रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जो जो कुर्बानी की ईद या जो ईद की अगर हम एसेंस की बात करें तो आपकी बेनज़ीर साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत रही, उनके साथ की कोई ईद ऐसी यादगार ईद? ऐसे नहीं, नॉर्मली हमारी जैसे आपने इंटरव्यू में कहा पॉलिटिशियंस हर उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने हल्के में जाके, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फिर होना चाहिए क्योंकि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लेते हैं जाते हैं उनके साथ। अक्सर लोग ये कहते हैं मैं ईद पे दुबई चला जाऊं, कोई कहता है मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं टर्की चला जाऊं, कोई कहता है। अच्छा वो दरअसल उन हलका अहबाब से पीछे छुड़ाना चाह रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि वो सारा साल उनके साथ होते हैं। नहीं नॉर्मली लोग ये नहीं, सारा साल की बात नहीं, सारा साल ही रहे लेकिन एक ऐसा इवेंट है ईद का साल में दो दफा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी उसके साथ। हमारे तो देखें जिस वक्त हमारे हालात ख़राब भी थे जब एक टूरिज्म की वेव चल रही थी बिल्कुल,
उस वक्त भी अक्सर लोगों में कहते थे कि जी बस, हमने कहा नहीं ये तो ये है कि आप कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे ईद के दिन भी दरवाजे आपके बंद हैं। हाँ चलो, अगर आपके दरवाजे साल के 12 महीने बंद हो लेकिन ईद पे तो कम अज़ कम कहते हैं कि यार ईद के दिन तो खोलो कम अज़ कम। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के दरमियान ये चीज़ें मतलब। अच्छा, और जो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का ईद का जो है वो कैसा, उनका जो दिन होता है वो किस तरह का होता है? मिलते हैं बिलावल साहब तो नॉर्मली जो है वो अपने पिछली अभी जो ईद थी रमज़ान वाली ईदुलफितर, उसमें वो क्योंकि अपने उन्होंने भांजे से मुलाकात नहीं की थी, वो कहीं फॉरेन विजिट पे थे, उन्होंने पहुंचना था, तो पहली ईद उन्होंने अपने भांजे के साथ उधर गुजारी, फिर एक दिन पहले थी फैमिली के साथ ईद हुई ना, एक दिन पहले वहाँ पे था क्योंकि वहाँ पे ईद दुबई में और सऊदी में एक दिन पहले होता है, उसके बाद वो पहुँच रहे थे और वो लड़का ने भी अपनी जो है अपने नोडेरो हाउस में मिलते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से भी मिलते हैं उधर। और आपके जो घर वाले हैं उनके फिर कितने शिकवे होते हैं कि आप हमें ईद पर, आपको पता है बाप, अंदर की बात में अंदर की बात जरा सामने आनी चाहिए ना, अंदर की बात को खुलना चाहिए, माशरे में आना चाहिए। आप जो ये है ना, आप साजिश कर रहे हैं अभी नहीं सर, अभी ये तो मुदाखलत है, ये साजिश के बाद आपने पहले साजिश की थी, अब आप मुदाखलत कर रहे हैं, अब मुदाखलत कर रहे हैं बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना ही हमें बनता है। नॉर्मली आपकी बात ठीक है, हमारी लाइफ ऐसी होती है पॉलिटिशियन। अब देखिए दिन में अगर हम, आप वैसे दिन में कितने लोगों से मिलते हैं एक सियासतदान एवरेज, जिस तरह डॉक्टर होता है ना उसको पता होता है दिन में मेरे पास 20 मरीज आने हैं, वो डॉक्टर को ये होता है उसने पर्ची काटनी होती है, उसने हिसाब लेना होता है, पैसे लेने होते हैं, हमारा हिसाब किताब ये होता है। देखिए नॉर्मली लोग आते हैं, उन काम होते हैं, किसी दिन ज्यादा होते हैं किसी दिन कम होते हैं, नॉर्मली लोग कोई ईद पे तो खैर वो तो सेपरेट एक इशू है ना, लेकिन नॉर्मली जो है वो सुबह के वक्त लोग आते हैं, किसी का कोई थाने में काम है, कोई और काम है, किसी के साथ काम है, तो वो चीज़ें नॉर्मली चलती रहती है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि फैमिली नॉर्मली लाइफ डिस्टर्ब, क्योंकि हम सुबह ये काम करते हैं, शाम को जो है हमारा ये ढंडोरा शुरू हो जाता है आप लोगों का, हम लोगों का, तो इसमें जो है ना कोई 8 बजे शो है, कोई 11 बजे शो है, कोई 10 बजे शो है, और अभी आपकी हुकूमत ने जो है ना 11 बजे रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए, तो इसलिए जो है ना वो खाने पीने वाला काम भी जो है ना घर में ही खाना खाना पड़ता है, कोई और जगह मिलती नहीं है खाने को। अच्छा वैसे एक सियासतदान के पास जाहिर है अगर हल्के वाला है तो उसके हल्के के लोग उसके पास आते हैं अपने मसाइल लेके काम लेके, तो कौन सा आपको लगता है कि कभी ऐसा कोई मौका आया हो कि एक बंदे ने आपको कोई काम कहा है और वो बार बार कह रहा है और आपके हाथ बंधे हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं करा सक रहे, आपका बड़ा दिल है कि वो हो जाए उसका हल मसला लेकिन आप नहीं करा सकते? तो यही होगा, ऐसे सस्ता बकरा दिलवा दो या सस्ता पेट्रोल दिलवा दो, यही नहीं तो ऐसी सिचुएशन में हाँ हमारी तरफ जो है ना ईरानी तेल बहुत मिलता है, नॉर्मल ये होता है, मैंने नॉर्मल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, कभी ऐसा काम होता है जो बहुत मुश्किल काम होता है और बड़ा काम होता है वो मिनटों में हो जाते हैं। अच्छा। और कभी कोई ऐसा छोटा सा काम होता है वो अड़ जाता है और जो है ना बहुत ही कोशिश करें और अगला फिर बाद में बाहर जाके हल्के से निकल के बातें भी कर रहा होता है, दा पता रिश्ता जान बाने से कोई गिना हो ना, कभी कभी बहुत छोटा काम जो है ना बिल्कुल ऐसे फंस जाता है। मेरे साथ अभी रिसेंटली 10 दिन पहले से हुआ। अच्छा। मैंने एक ऑफिसर को दो काम बताया, मैं कहा ये छोटा वाला जो है ना ये तो मामूली सा ये तो कर लेगा और ये दूसरा वाले तो बहुत उसके लिए बहुत मतलब है कि खुद जाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ, तो अगले दिन मुझे पता चला कि वो वाला हो गया और अभी जो दूसरा वाला अभी तक फंसा हुआ रहता है अभी तक, तो ये नॉर्मली ये चीज़ होती है। लेकिन कोशिश होती है इंसान की कि आपके पास जो आए तो उसको मतलब है कि अपनी पूरी कोशिश करे ताकि अगला बंदा ये महसूस ना करे कि आपने उसके लिए कोशिश नहीं की। बिल्कुल, नॉर्मली तो काम अल्लाह करता है और कोई वसीला बनता है, कोई मतलब इंसान वसीले बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं पिछले एक ऑफिसर के पास गया और अक्सर हम ये कहते हैं, उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा शुक्र है कि आपसे असदान मौजूद है, वरना हम सेक्रेटेट के बाहर जो है ना एक वो पुलिस वाला खड़ा था, लोगों को हम छोड़ते भी नहीं। पॉलिटिशियंस के साथ जितने भी हैं उनके साथ ये, अगर मेरे साथ अगर आज 8-10 लोग होंगे या 5 लोग भी होंगे, मैं उनको डायरेक्ट किसी मिनिस्टर के कमरे में, किसी के सेक्रेटरी कमरे में घुसा के उनको चाय भी पिलाऊंगा, बिस्किट भी खिलाऊंगा, काम भी उनका बताऊंगा और वो बेचारे अगर खुद आए तो उनको शायद 10 दिन उस कमरे तक एक्सेस ही ना हो। बिल्कुल, ये चीज़ है कि कोई ना कोई एक आप मतलब है कि सहूलतकार कोई ना कोई बन जाता है। अच्छा, सहूलतकारी से हम इस तरफ आए, अगर कि आपकी पार्टी के सियासत नहीं करनी, आपकी पार्टी के कौन से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर ईद की दावत बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है? देखिए नॉर्मली कौन ऐसा है कि जिसके आप कहते हैं इसकी दावत है भाई जाना है जरूरी है, ये नहीं इनकार भी ना किया जाए? नॉर्मली ये होता है कि दावत जब भी हो तो कोशिश करते हैं कि पार्टी के दोस्त के पास बन जाते हैं, लेकिन ईद का मौका ये होता है कि हर कोई अपने हलके में होता है, तो कोई दावत हो भी या जो है वो हो ही नहीं सकती क्योंकि हर कोई फैमिली के साथ कोशिश के साथ बनानी है, तो ईद पे तो बिल्कुल ये चीज तो अपनी नहीं कर सकेंगे दावत, तो अपने हलके में कोई दावत दे तो कोई मसला नहीं, हम भी दावत दें वो दावत दें। अच्छा, मुखालिफ पार्टियों से कौन सा ऐसा शख्स है जो आपको दावत पे बुलाए तो आप बड़े आराम से चले जाएंगे? मैं बड़ा फ्लेक्सिबल इस चीज में, कोई बुलाए तो
चले जाएंगे। गमी खुशी फवाद चौधरी बुलाएंगे तो चले जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगा मैं तो, अगर अगर किसी के साथ आना जाना है आपकी, अगर वो गमी खुशी में शरीक है और आपके साथ उसका आना जाना है तो बिल्कुल जाना। ये सियासत, मैं ये कहता हूँ कि सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन हमें सियासत में इतना वो नहीं होना चाहिए कि कोई आपका आपसे आपका लीडर आपसे पूछे कि इसके साथ आपकी तस्वीर क्यों आई है, आप इधर क्यों बैठे हैं। तो मेरे साथ एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि जो एक दोस्त के पास मैं गया, उसकी कोई फौत हुई थी, तो उसके किसी ने उसने कहा कि जी ये तस्वीर जो है ना ऑफिशियल आया हुआ था, नहीं ऑफिशियल रिलीज नहीं करनी। तो मुझे उसने कहा आपको पता है कि मैं नहीं, नाम भी नहीं लूँगा, पार्टी भी नहीं बताऊँगा कि आपको पता है कि, मैंने कहा मुझे तो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे तस्वीर से ही प्रॉब्लम है, अपने घर नहीं खींचनी थी, मैं तो फतह खान के लिए आपका और हमारा आपके जिस पार्टी से भी ताल्लुक है मेरे जिस, लेकिन अगर आप किसी के पास जाएंगे गमी खुशी वो भी आपको पास आएगा, ऐसा ही बाकी पॉलिटिक्स हम अपनी करेंगे वो अपनी करेंगे। और हमारा जो बुनियादी, लेकिन हमें इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि मैं आपके साथ बैठ के चाय नहीं पी सकता आपके साथ। ये अच्छा, इस जुमले में कितनी सदाकत है कि सियासतदान किसी का दोस्त नहीं हो सकता पक्का वाला? नहीं, आप लोग हमारे पीछे बड़े ड्रामे करते हैं, ये आप लोगों को सिर्फ आप लोग नहीं, आप नहीं, मैं क्यों, मैंने तो सिर्फ एज ए पूरा जैसे सियासतदान की बात हुई, एज ए पूरी कम्युनिटी, एज ए पूरी कम्युनिटी आप लोग जो है ना सिर्फ हमारे पीछे लगे रहते हैं, किसी और इदारे के पीछे आपने ऐसी बात नहीं कहनी कि कोई किसी का नहीं। लेकिन नॉर्मली क्योंकि हम जवाब दें आवाम को और हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो हमारे पीछे बहुत से ड्रामे ऐसे होते रहते हैं। ये बात मैं नहीं मानता, ठीक है अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, मैं नहीं कहता कि कोई होते हैं हर किस्म के लोग, लेकिन मेजोरिटी लोग, ये ऐसी बात नहीं है कि दोस्त नहीं हो सकते, सिंसियर लोग भी होते हैं, सिंसियर लोग होने चाहिए। आप ये बताएं कि अगर आपके एक वोटर हैं, आप मेरे वोटर हैं और आप मेरे वोटर हैं और आपके पांच साल मैंने काम किए, वोट इलेक्शन के वक्त आप मेरी पार्टी छोड़ किसी और में चले जाएं, फिर वो क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, चलता रहता है। देखें ये चीज़ें खैर आप लोग करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। नहीं नहीं ऐसा क्या, देखिए कुछ शोज ऐसे होते हैं कि जिसमें आप हमेशा आते हैं, हमने जब भी आपको बुलाया आप हमारे पास हमेशा आए, किसी को मना करते हैं या इसका शो छोड़ो रहने? या आहिस्ता से कोई आपके कोऑर्डिनेटर कोई किसी को कह रहा हो कि भाई इसका फोन आए तो इसको नहीं, ना मैंने अगर बहुत ऐसे चैनल को भी मैंने किया हो जो कि टॉप 10 में भी ना हो और बहुत नीचे चैनल हो और उसको मैंने पीक टाइम 8 बजे का दिया हो और कोई बड़े चैनल के भी आ जाए कि 8 बजे आए ना, तो मैंने कमिटमेंट डिसकमिटमेंट ये, और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने इस शो इस एंकर के पास नहीं जाना, इस शो में नहीं जाना, हम तो हमेशा तो किस शो मेरे, मेरी खुशी होती है, मेरी ज्यादा ख्वाहिश ये होती है कि जो हमारा मुखालिफ चैनल हो और एंकर भी मुखालिफ हो उसके साथ मैं ज्यादा बैठूँ, क्योंकि मैं अगर आप सपोज अगर मेरे मुखालिफ हैं और वो हैं तो मैं आपके साथ बैठ के अपना बयान तो दे रहा हूँ ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रहा हूँ, और अगर नहीं बैठूंगा तो वन वे ट्रैफिक जारी होगी। लिहाजा हमने हमेशा ये क्या है अपने सियासतदानों को, अपनी पोलिटिकल पार्टीज को, कि किसी चैनल का बाइकॉट नहीं होना चाहिए, किसी एंकर का बाइकॉट नहीं होना चाहिए, अनलेस के बहुत ही आप समझे कि बिल्कुल ही हद क्रॉस कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो कि नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ एंकर को नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो वो जो है आपका कम से कम हमने तजर्बों से ही सीखे। 85 के इलेक्शन का हमने बाइकआउट किया, मोहतरमा शहीद ने कहा कि मेरे नहीं करना, सियासी तारीख की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बाइकआउट किया बिल्कुल 85 का। हमने भी अपने दौर में तजर्बे किए कि हमने एक चैनल का बाइकआउट किया, फिर हमने सीखा, अब हमने कहा कि नहीं ये नहीं, आपने चैनल में जाना है, आपने ठीक है एक चैनल में 5 एंकर हैं, एक बहुत ही अगर शायद वो कोई करे मे भी किसी का वो, लेकिन हमें जाना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम वहाँ पर बैठ के देने के, नहीं बिल्कुल ये एंकर गलत कह रहे हैं हम ठीक हैं, यही पॉइंट ऑफ व्यू हमने भी लोगों के सामने फैलाना है कि जी ईद का दिन जो है वो मोहब्बतों का दिन होता है, चाहे आप किसी भी नज़रिए से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हो, किसी भी आपकी आइडियोलॉजी तरफ आपका बिल्कुल झुकाव हो, किसी भी एंकर की जमात से आपका ताल्लुक हो, एंकरों भी तो जैसे देखें ना आप चीज़ें दूर पड़ी और मैं इधर बैठा हूँ, ये इस पर हम हल्ला बोलते हैं, अब ये जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू देखें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल साहब आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।